हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है आपका महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा। अगर आप सभी को पता हो तो व्याकम की तरफ से एक हमारा एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया गया है जिसमें कि आपकी जो परीक्षा है महिला पर्यवेक्षक की, ये आपकी अक्टूबर के महीने में इसका एग्जाम होना प्रस्तावित है। ठीक है, तो हो सकता है इस मंथ के लास्ट में या फिर आपका सितंबर के मंथ में आपको इसका नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसी दोस्तों होती है आपकी ओनली महिला के लिए होती है। ठीक है, तो जो भी महिलाएं इस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो वो इसे बुक को देख सकती है, इस बुक का रिव्यू देख सकती है। ये जो बुक मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपको सारा सिलेबस जो कि आपका महिला पर्यवेक्षक का रहने वाला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जो बुक है आपकी आपकी सक्सेस की पब्लिकेशन की बुक है ये, आपका इसका सेकंड एडिशन है, मध्य प्रदेश पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा के नाम से बुक आपकी आती है। ठीक है, और इसमें आपके 4,000 से प्लस आपको इसमें आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्लस आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है प्रथम खंड जो आपका रहने वाला है आपका पोषण एवं स्वास्थ्य का रहने वाला है, और सेकंड पार्ट जो आपका आएगा इसमें सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति का, एवं थर्ड वाला आपका प्रबंधकीय गुण का। ठीक है, और फोर्थ सेक्शन आपका रहने वाला है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे आप तो इसमें आपको चार सेक्शन आपको सिलेबस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इस बुक में आपको PYQ मिल जाएंगे, प्लस आपके 15 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे। ये जो बुक है आपके, इसके लेखक आपके विनोद कुमार जी हैं और श्याम स्वरूप मीणा जी। तो चलिए देखते हैं इस बुक के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आप इस बुक खोलेंगे तो सिलेबस तो जैसे कि आपको आपने यहाँ पर देख ही लिया कि इसमें चार सेक्शन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, जब आप उसको अंदर खोलेंगे तो इसमें आपको इंडेक्स देखने को मिल जाएगी। इस इंडेक्स में आपको प्रश्न क्रमांक के साथ साथ आपको जो भी इसके टॉपिक रहने वाले हैं आपके हर एक टॉपिक वाइज बोल लीजिए या फिर सब्जेक्ट वाइज बोल लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कि पहला जो पार्ट रहने वाला है वो आपका पोषण, पोषण एवं कुपोषण, किशोरावस्था, गर्भवती की देखभाल होगी, राष्ट्रीय टीकाकरण हो गया। ठीक है, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम वगैरह हो गए। इसके अलावा ये जो आपका है NRHM एवं ICT, इसके अंतर्गत संचालित योजनाएं होती हैं इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको मानव रोग, परिवार नियोजन, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, सारे पार्ट आपके रहेंगे। ठीक है, और सामान्य विभाग की जो योजना है इसमें सारी योजनाएं भी कवर की गई हैं। और 15वें नंबर महिला एवं बच्चों के कानूनी अधिकार वगैरह के बारे में बताया गया। 16 में आपके शिशु के प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, और 17 नंबर पर आपके प्रबंधकीय गुण जो है आपके मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज, इसके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गए, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य, कंप्यूटर का सब परि हाँ, कंप्यूटर इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 22वें नंबर पर दिया गया 1 से लेकर पेज नंबर 116 तक अभ्यास प्रश्न पत्र। ठीक है, और 23वें नंबर पर गत वर्ष की परीक्षा प्रश्न पत्र, यानी कि आपके जो भी आपके PYQ हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ से आपका पहला चीज़ स्टार्ट हो जाती है पोषण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से उन्होंने दिया गया है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने ये चीज़ को बुक में इंक्लूड किया है। मतलब उन्होंने क्या पॉइंट वाइज वो चीज़ दी गई है और काफ़ी सटीक दिया गया। जैसे आप देखते हैं पोषण शब्द की उत्पत्ति पोषक शब्द से हुई है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी अच्छी सरल भाषा में दिया है और सारी चीज़ इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया, आप देख सकते हैं बुक में। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने थ्योरी दी, पहले थ्योरी टॉपिक वाइज, थ्योरी में से फूड के बारे में दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में तरीके से बताया गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ थ्योरी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ से प्रोटीन चालू होकर प्रोटीन की आपको थ्योरी देखने को मिलेगी, उसके पूरे प्रोटीन के प्रकार देखने को मिलेंगे, यानी कि कंप्लीट जो आपको थ्योरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप किसी और बुक लेने की आवश्यकता होगी, यहाँ से आपकी कंप्लीट चीज़ें तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो और जैसे ही आपका यहाँ पे चैप्टर एंड होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर वचनस्थ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इन्होंने ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से इन्होंने तैयार किए हैं। यहाँ पर लगभग पहले चैप्टर आपको 46 इन्होंने MCQ दिए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बुक मुझे तो लगी है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो भी महिलाएं इस एग्ज़ाम की, तो इस बुक को परचेस कर सकती हैं, काफ़ी अच्छी बुक है यहाँ पे। और देखिए जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एरिया प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा है, तो इसके इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि पुरुष को कितनी आवश्यकता होती है, महिला को धात्री अवस्था में और गर्भावस्था में, शिशु, बालक, लड़के, लड़कियाँ, इनकी एज सहित किस एज में कितने ग्राम, कितनी क्वांटिटी जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई गई। कैलोरी भी यहाँ पर दी गई, जैसे कि कैलोरी कितनी आवश्यकता होती है एज के हिसाब से। ठीक है, और उनकी अवस्था के हिसाब से
तो उन्होंने हर एक टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो अच्छी बुक है, अगर आप चाहें इसे लेना ले सकते हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको जो आपको पोर्शन आने वाला है इसमें, पोषण एवं स्वास्थ्य का सामान्य एवं शक्ति वाला जो पोर्शन, ये वाला खैर छोड़ के रीजनिंग भी सर इसमें दी है इन्होंने। और लास्ट में अगर आप देखें, लास्ट में आपको इस प्रकार से इनके क्या चैप्टर पेपर देखने को मिल जाएंगे। ये तो MCQ दिए गए हैं, ठीक है, इन्होंने MCQ जितने हो सके हैं सारे MCQ इन्होंने इंक्लूड किए हैं, देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप इस बुक को 2 बार लगा के जाते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे रीजनिंग वगैरह भी इन्होंने दिया है, रीजनिंग के क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूड किए हैं, कुछ छोटे मोटे एप्टीट्यूड मैथ्स वगैरह क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो अच्छी बुक है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। इस बुक की प्राइस हम बात करें, बुक की प्राइस कितनी है, 599 इसका बुक का प्राइस है। इसमें जैसे आप स्टोर पे लेने जाएंगे तो हो सकता है इसमें आपको 20% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 600 रुपये की बुक में 20% के हिसाब से आपका 20 छक्का 120, यानी 120 रुपये करीब आपके इसमें कम हो जाएगा। ठीक, यानी कि आप 480 रुपये करीब की आपकी बुक पड़ जाएगी, हो सकता है कोई 25-30% भी कर ले। तो इसमें 4000+ MCQ आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छी बुक है, इससे आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा, अगर अच्छी लगे तो बुक भी आप परचेस कर लीजिएगा। बाकी अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी और वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।